हेलो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं आप एटीएस अलगी थिंक लॉन्ग रन, यानी एक गैस रिकवरी यूनिट है जो कि गैस रिकवर, वैक्यूम और गैस चार्जिंग भी इससे किया जाता है, लीक टेस्ट भी किया जाता है। तो हम इसके सिस्टम के बारे में आज जानेंगे। ऑटोमेटिक में क्या बता रहा है, वैक्यूम टाइमिंग सेट कर दोगे, होल्ड टाइम कितना और नीचे रिफिलिंग टाइम, गैस कितना डालने का है, उसके बाद नीचे इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वैक्यूम होगा, फिर होल्ड टाइम आएगा, फिर गैस चार्जिंग जितना सेट करेंगे आप उतना गैस जाएगा और इंटर करने के बाद ये सिस्टम चालू हो जाएगा। और मैन्युअली कैसा है, मैन्युअली आपको खुद से सेट करना पड़ेगा, मैनुअल में आपको खुद से सेट करना पड़ेगा। जैसे मैनुअल में आए आप, मैनुअल में आने के बाद इसमें रिकवरी, वैक्यूम या फिर ऑयल इंजेक्ट, गैस फिलिंग कौन से इसमें करने का है आपको। जैसे मैं अभी रिकवरी लगा रहा हूँ, रिकवरी क्योंकि इसमें लाइन में गैस है नहीं, थोड़ा बहुत है गैस, तो रिकवरी चालू हो चुका है अभी। रिकवरी चालू होने के बाद देखो, ये अभी ऑयल दिस टाइम जो कि इधर से ऑयल निकलता है यहाँ से नीचे से, और ये ऑयल फिलिंग का बॉटल है यहाँ, और इतना टाइम होल्डिंग टाइम रहेगा। फिर हम आपको वैक्यूम पे लगा के भी बताएंगे। लगाने जा रहे हैं, वैक्यूम लगाया, आपको सेट करना पड़ेगा कितना टाइम पे सेट करने का है। मैंने 10 मिनट पे सेट करके रखा है और यहाँ इंटर किया, वैक्यूम चालू हो चुका है। और वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद ये मशीन ऑटोमेटिक होल्ड टाइम में चला जाएगा, होल्ड टाइम से फिर ऑटोमेटिक अपने पोजिशन में आ जाएगा, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद ये पोजिशन में आ जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन जो ऑयल इंजेक्ट का दिया है, ऑयल जब आप वैक्यूम कर लेंगे, वैक्यूम करने के बाद इंजेक्ट ऑयल एंड प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, इंटर करेंगे, इंटर इंश्योर न्यू ऑयल इंजेक्ट इंजेक्शन वाल्व इज क्लोज एंड प्रेस इंटर टू कंटिन्यू। ये वाल्व यहाँ जो है ये क्लोज है, इसकी वजह से ये वाल्व खोलेंगे, ये वाल्व खोलने के बाद प्लीज इंटर करेंगे तो ऑयल ऑटोमेटिकली सिस्टम में चला जाएगा। और एक सिस्टम बचा है गैस फिलिंग का क्या है, इंटर करने का और आपको कितना गैस डालने का है। जैसे यहाँ 400 ग्राम गैस का है, तो क्योंकि इधर लाइन लगी हुई है इधर, तो 400 ग्राम गैस डाल नहीं सकता है। मैं 100 ग्राम गैस इंटर करके बता रहा हूँ आपको, इससे नीचे करते हैं, गैस लेवल कम होगा। जैसे इतना ही गैस इंटर करके देखता हूँ, ये गैस फिल हो रहा है। एंड ऑफ चार्ज, क्लोज HP एंड LP टैप, प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, यानी ये दोनों वाल को हाई वाला और लो वाला बंद करने बोल रहा है। तो मैं बंद नहीं करूँगा अभी, क्योंकि सिस्टम में नहीं लगाया हूँ, ऐसे ही इसको लगा के रखा हूँ। फिर हम इसको वापस से रिकवरी में लगाएंगे। रिकवरी में लगा दिए हैं, अभी जो गैस लाइन में से गया था मशीन में से, वो गैस फिर वापस से मशीन में ही आ जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं आप, पूरी गैस मशीन में फिर वापस से आ चुकी है। और इसका एक फीचर और बताएंगे आपको, अच्छा फीचर है कि हम, एक दोस्त ने मेरे को बोला कि इसमें लीक टेस्ट नहीं कर सकते, मैंने बोला हाँ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी ऑफ पोजीशन में है, तो हम अगर इधर से प्रेशर मारेंगे तो इधर आसानी से निकल रहा है। और ये प्रेशर मीटर में बता रहे हैं, जब ये प्रेशर मीटर में बता रहा है तो लीक टेस्ट तो हम आसानी से कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें लीक टेस्ट का फीचर भी दिया है। हेलो गाइज, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़।